सभी परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप विराट स्वरूप हैं, उनसे सभी देवी देवता सभी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सारा चराचर जिनकी सृष्टि है, यह ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न हुआ है और इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेक नक्षत्र ग्रह विद्यमान हैं, उन सभी की रचना करने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जिससे सभी उत्पन्न हो रहे हैं और जिसमें सभी समा रहे हैं, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्द गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय 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 सब कोई अपने हृदय पे हाथ रखिए और मेरे बात बोलिएगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद आप सभी को। श्रीमद् भागवत महापुराण आपको सर्वप्रथम जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। ऋषि मुनियों का शोध, खोज, उपकर्म, शुरू से ही हमारे सभी ऋषि मुनि खोज में लग गए। जैसे ही सृष्टि की रचना हुई, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की रचना होती है, ब्रह्मा जी भी खोज में लग गए। और हजारों साल व्यतीत हो गया, कुछ भी नहीं मिला, खोजते रहे। और ये सत्य है, एक अकेला व्यक्ति होगा तो करेगा क्या, खोजेगा मैं कहाँ हूं, कौन हूं, किधर से आया, मेरे जैसा यहां कोई क्यों नहीं है, मैं अकेला क्यों। ब्रह्मा जी खुश रहे। भगवान ने आदेश दिया, मेरा ध्यान करो। भगवान ने आदेश दिया, मेरा ध्यान करो। अब उस मेरा को ढूंढना कठिन। ब्रह्मा जी अब उनको ढूंढने लगे, नहीं मिले। उस समय सृष्टि के नाद में ब्रह्मा जी अपने आप को खोने लगे। हर अंतरिक्ष, हर ग्रह में नाद है, साउंड है। और इस सृष्टि का साउंड है, नाद है, जिसका हम लोगों ने अभी उच्चारण किया, ओ ब्रह्मा जी इसी नाद में खोने लगे। और खोते खोते, जैसे आप संगीत सुनते हैं, सुनते सुनते उसी को गाने लगते हैं, ब्रह्मा जी भी सुनते सुनते ओ अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुसंज्ञकः स्थिरा मात्रा त्रिधा यत्र तत्र परं ज्योतिरोमितः। अकार, उकार और मकार, तीनों को मिला करके ओम का निर्माण हुआ है। और जब यह तीनों महाशक्ति बीज मिल जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, त्रिधा मात्रा स्थिरा जत्र, ये तीनों जहाँ स्थिर हो जाएं, तत्र परम ज्योतिरोमितः, वहाँ परम ज्योति का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वही परम ज्योति परमात्मा
प्रकाश पुरुष सारे जगत को जीवन देने वाला भगवान श्री हरि नारायण है। पालन करने वाले नारायण हैं। जब कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ध्यान करते रहे, ध्यान करते करते समय व्यतीत हो गया। जब ध्यान से थोड़ा बाहर हुए तो जिस कमल पे बैठे थे, नीचे होके देखे उस कमल में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान के मणिपुर में समा जाते हैं। मणिपुर नाभि को बोलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि उसके अंदर अनेक अनेक ब्रह्मांड का निर्माण है। वहां पे अखंड ब्रह्मांड है। गोस्वामी श्री महाराज जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने रामायण जी में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति लेद कहे। जो ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, जिसके रोम रोम में अनेकों आकाश गंगा समाई हुई हैं, वह विराट पुरुष परमात्मा में ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित हो करके ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगते हैं। अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतमामृतम ब्रह्मयोनिम समाधि मध्यांत विहीनमेकम विभुं चिदानंदमरुत्तम अद्भुतम्। समाधि मध्यांत विहीनमेकम विभुं चिदानंदमरुत्तम अद्भुतम्। हे परमात्मा, तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम इतने विशाल क्यों हो? क्योंकि मेरी गति तो मन से भी तेज है और इतनी मन की गति से तेज चलते हुए भी मैं तुम्हें, तुम्हारा कहीं अंत नहीं देख रहा हूँ। इसीलिए रामायण जी में लिखा हुआ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा संता। बहुविधि कहहि सुनहि सब संता, बहुविधि कहहि सुनहि सब संता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव
जिसका ना आदि है और ना अनंत है, जो विचार से, बुद्धि से, विवेक से परे है, जिसको समाधि के माध्यम से भी योगी जन समझ नहीं पाते। समाधि मध्यांत विहीनमेकम विभुम चिदानंद मरुतम अद्भुतम, वह परमात्मा को ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते थक गए। और जब थक जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तू जान तुम्हें क्या करना है। जैसे ही बोलते हैं आंख बंद करके भविष्यवाणी होता है, ब्रह्मा बोले कौन है, भविष्यवाणी में शब्द होता है तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, मेरा आदेश है, हमने तुम्हारा निर्माण किया है, तुम अब सृष्टि करो। बोले वो क्या होता है? भगवान ने कहा अपने जैसे स्वरूप उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी बोले कि मैं अपने जैसा, फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन देता हूं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, वही परम ब्रह्म कृष्ण, वही परम ब्रह्म राम स्वरूप में दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं कि मेरे जैसे स्वरूप उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी चकित रहते हैं कि आप जैसे, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। भगवान बोले हां ब्रह्मा मेरे जैसा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता मेरी विस्तार कितना है, मेरा विस्तार कितना है मैं भी नहीं जानता। भगवान ने यही बात गोपियों को भी बोला, भगवान श्री राम ने यही बात विभीषण जी को बोला कि मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कितना प्रेम है, मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कितना स्नेह है। और ये अच्छी बात है कि मैं नहीं जानता। अगर मनुष्य जान ले कि मेरे पास 1000 रुपया है तो खर्चा भी उसी हिसाब से शुरू कर देगा। अगर परमात्मा जान ले कि उसके पास इतना ही प्रेम है तो वो शायद सबको प्रेम ना दे सकेगा। इसीलिए परमात्मा अनंत है, उसके पास कितना प्रेम है वो नहीं जानता, उसके पास कितना स्नेह है वो नहीं जानता, कितनी कृपा है वो नहीं जानता। इसीलिए तो उदार कहा गया है उसे, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं।
ब्रह्मा जी आदेश लेकर के फिर उसी भगवान की कृपा से कमल से निकल के बाहर आ जाते हैं, सृष्टि करते हैं। उस सृष्टि में सतयुग आता है, त्रेता आता है, उसके बाद द्वापर आता है। इसी द्वापर युग में, द्वापर के अंत में भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार होता है। हमने बोला ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अभी यहां अवतार लेते हैं भगवान। इसी अवतार में जो भगवान ने अद्भुत लीलाएं की, अद्भुत स्वरूप प्रेम, अद्भुत वीर रस, अद्भुत प्रेम रस और अद्भुत भक्ति ज्ञान वैराग्य रस श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन किया, उस गीता को मिला करके और समस्त वेद पुराण शास्त्रों को मिला करके भगवान की अहैतु की स्वरूप को मिला करके एक स्वरूप बना, उसका नाम है भागवत। और उसका संपूर्ण नाम है श्रीमद् भागवत। श्री अर्थात लक्ष्मी जी, श्री अर्थात राधा जी, मद अर्थात उनकी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति इस भागवत जी में समाहित है। इस भागवत जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक से गौलोक जाने लगे, उस समय उद्धव जी ने बड़ा प्रेम से प्रार्थना किया, प्रभु आप चले जाएंगे, आपके जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, वो आपको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। भगवान ने कहा, उद्धव मैं तो सभी समय सभी के हृदय में व्याप्त रहता हूं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु सभी ज्ञानी नहीं है, आपकी व्यापकता को जब हम नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाते हैं, तो आपके प्रेमी जन सरल स्वभाव के भक्त कैसे जानेंगे। भगवान ने कहा, उद्धव लो मैं अपने स्वरूप को संग्रह कर देता हूं। और उन्होंने संग्रह करके एक स्वरूप प्रदान किया उद्धव जी को, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। यही श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य मोक्ष प्रेम माया सब कुछ देने वाला, जो मन भावा सो बर पावा, जिसको जो चाहिए उसे यहां से प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करने वाला बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि सागर अथाह है, उसे कितना भी उलीच लो
कभी भी कम नहीं होगा, लेकिन उलझने वाला थक जाएगा। ऐसे ही श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की लीला स्वरूप चरित अथाह है, अनंत है, उसमें से जितना ग्रहण किया जाए उतना ही कम है, वो मोक्षदायिनी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुनेंगे। अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष मिले, अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष मिले, अर्थ धर्म और काम मोक्ष मिले, अर्थ धर्म और काम मोक्ष मिले। मानुष होए महान जी, हो मानुष हो स्वरूप जानो उनको, यही है भागवत पुराण जी, हाँ यही है भागवत पुराण जी। ज्ञान भक्ति प्रेम मिलत, ज्ञान प्रधान जी, और मोक्ष प्रधान जी। देवे वैराग्य परम तत्व मिले, देवे वैराग्य परम तत्व मिले, यही है भागवत पुराण जी, हो यही है भागवत पुराण जी। श्री कृष्ण हरि हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव। वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने परंपरा से ऋषि मुनियों के द्वारा भागवत जी की चर्चा कथा होती रही, और यही कथा कलयुग में गायन हुआ। चारों युग में कथा प्रधान था, कली काल में जाकर बहुत ही प्रख्यात हो गए। पहले ऋषि मुनियों तक ही सीमित था श्रीमद् भागवत जी की कथा,
क्यों? कलयुग में ऐसा क्या हुआ? कलयुग तो आप लोग बोलते हैं ना, कलयुग आ गया, सबसे खराब युग मानते हैं आप लोग। लेकिन कलयुग में भागवत जी इतने प्रचलित क्यों हो गए? अब आप कहेंगे कि उतना ही पाप बढ़ रहा है। नहीं, कलयुग में भागवत जी की महिमा प्रत्यक्ष दर्शन में आया। कैसे? परीक्षित जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अकाल मृत्यु की श्राप मिला उनको, उस अकाल मृत्यु को पार करके परम लाभ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में बहुत ही प्रख्यात हो गए। इनके स्मरण से, इनके सुनने से, इनके गाने से, इनको पूजा करने से मनुष्य वो सभी फल प्राप्त कर लेता है जो अनेक सालों तक साधना करके प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सुत जी महाराज अपने आसन में, आश्रम में विराजमान हैं। सौनक जी वहां पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप किसका चिंतन कर रहे हैं? सुत जी कहते हैं, सौनक जी, इस जगत में चिंतन करने लायक एक ही है, परमात्मा जगत गुरु श्री कृष्ण, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं। सौनक जी ने कहा, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वरूप किस प्रकार का है, आप हमें भी उनके स्वरूप का थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। सुत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, मैं आपको विस्तार पूर्वक भगवान के स्वरूप का वर्णन करूंगा और वहां पे भगवान के स्वरूप के वर्णन में श्रीमद् भागवत जी की कथा का चर्चा होता है। उसी कथा में सुत जी कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र और शिष्य सुखदेव जी को यह कथा पान करवाया और सुखदेव जी समस्त ऋषियों के मध्य में इस कथा को बार बार कहे और यह कथा एक बार उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया। इस प्रकार से कथा की श्रृंखला चली चलती जाती है और उसके बाद सौनक जी ने पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कलयुग में कैसे इतना प्रचलित हुए भागवत जी? सुत जी कहते हैं, सौनक ऋषि, एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, विचरण करते हुए वो सब तीर्थों में घूमते हुए वृंदावन धाम में पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीला हुई है। नारद जी जब जमुना जी स्नान करके जमुना जी से बाहर निकले तो पास में देखते हैं एक बुढ़ी देवी स्त्री
बार बार विलाप कर रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष जिनके बाल सफेद हैं, कांप रहे हैं, पड़े हुए हैं, और उस वृद्ध माता को सुंदर सुंदर देवियां पंखा झल रही हैं और रो रही हैं। मुझे देख करके उन्होंने आवाज दिया, मुनिवर मुनिवर हम पे कृपा करिए। अकस्मात नारद जी की दृष्टि वहां जाती है और नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवी ने बताया, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं सौराष्ट्र से होते हुए गुजरात, जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं, वहां पे आई तो मेरे ये बच्चे वहीं से वृद्ध हो गए। किसी ने कहा इनको वृंदावन ले जाओ, मैं यहाँ लेके आई। अब मैं भटक रही हूँ, कहीं भी ये अपने तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अभी मैं ठीक कर दूंगा। हमारे साधुओं में एक बहुत बड़ी जो है शक्ति है, ये वो जानते हैं क्या है? राम जी पे भरोसा। नारद जी बाबा जी तो हैं, उन्होंने बोला, अरे माता जी आप चिंता करते हैं, मैं ठीक करता हूं अभी इनको। अब नारद जी पास में पहुंचे, मंत्र सुनाने लगे, संजीवनी मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, कोई असर ही ना हो। तब नारद जी ने सोचा, अब क्या करें? नारद जी ने संकीर्तन शुरू किया, भगवान का नाम। जब नारद जी नाम जप करने लगे और उनको उठाने लगे तो उठ तो गए, बैठ भी गए, और जैसे ही उनको सहारा हटाया जाओ फिर से गिर जाए। मुंह खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, नेत्र खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अचेत हैं। क्या हैं? अचेत। यह सारा जगत अचेत अवस्था में है, बेहोश पड़ा हुआ है, चेतना ही गायब हो गई है। आप सोचते हैं हम चल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हम कैसे अचेत होंगे? श्रीहीन, ज्ञानहीन, विद्याहीन, इनको ही अचेत कहा गया है। गुरु जी मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, थोड़ा नाम जप करवा देते हैं, थोड़ा भजन करवा देते हैं, चेतना हो जाती, गए फिर वहीं की वहीं पहुंच गए। नारद जी देखे तो बड़ा कठिन है, घबरा गए। नारद जी प्रार्थना करने लगे, कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं इनको जरूर ठीक करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। नारद जी ऐसा सोच करके कि मैं निश्चय ही इनको ठीक करूंगा, मैं वचन देता हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। नारद जी सोचे, अब हम जाके कहीं तपस्या करें, तप करके इनको ठीक कर देंगे। नारद जी हिमालय निकल लिए, बद्रिका आश्रम पहुंच गए। नारद जी जब वहां पहुंचे तो सोचे कौन सी तपस्या करें। सोच में पड़े हुए वीणा लेकर के, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि,
नारद जी वीणा बजा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें मैं क्या करूं क्या करूं। नारद जी ने कहा, पहली बार ऐसा जीवन में हुआ कि मैंने किसी के सर पे हाथ रखा और वो सचेत नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि नारद जी शक्तिहीन थे, मंत्रहीन थे, नारद जी तो परम भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो, भगवान नारायण के परम सेवक परम भक्त हैं वो, जिन्हें देवता भी मानते हैं और दैत्य भी गुरु मानते हैं। नारद जी व्यथित हो गए, एकदम चंचल हो गए, क्या हुआ, मैंने सारी ऊर्जा लगा दी, अब मैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कौन सा तप करूं। इतने में तेज युक्त प्रकाश युक्त चार ऋषि प्रकट होते हैं। चार कौन थे? सनकादिक ऋषि प्रकट होते हैं। नारद जी कई दिनों से सोए नहीं थे, आंख थका हुआ था, देखे अरे क्या, आंख खोल के जोर जोर से विधि विधान से उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहिए। ऋषियों ने आदेश दिया, हरिद्वार के पास सुंदर वन में जहाँ पे बहुत ही सुंदर घाट रमणीक घाट है, हिमालय की तराई में जगह बताया और नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद जी बोले, अकेला मैं समर्थवान नहीं था, अब तो हम पांच हैं। नारद जी आए और उन्होंने घोषणा किया, गंगा जी के तट पे आनंद नाम वन में श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुष्ठान होना है। जय जय श्री राम। ऐसा कहते हैं कि भूलोक से देवलोक से सभी जगह से देवी देवता और यहाँ तक कि भगवान नारायण के सभी भक्त वहाँ पहुँचते हैं। उस कथा में परम वैष्णव महर्षि भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेघातिथि देवल देवतरु परशुराम विश्वामित्र साकल देवरात मार्कंडेय दत्तात्रेय योगेश्वर व्यास और पराशर आदि इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिए, दोनों ही दिव्य पुरुष बन गए। भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हुई, भगवान ने वरदान दिया, जो तुम लोगों का स्मरण करेगा वो मेरे स्वरूप की भक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने बताया
कि श्रीमद् भागवत भगवान के स्वरूप है। उसके बाद दूसरी प्रमुख कथा तब बनी जब श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, वो बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही संयमी थे और समस्त वेद शास्त्र को जानते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने नगर में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी बड़े ही कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ थे, परंतु परमात्मा ने उन पे बहुत कृपा करने के बाद भी उन्हें संतान नहीं दिया था। आत्मदेव जी अपनी पत्नी और समाज के ताना सुन सुन के थक गए थे। एक दिन आत्मदेव जी को ग्लानि हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं वंशहीन हूँ, संतानहीन हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ज्ञानी थे। संसार का व्यक्ति के मन में जब ऐसा भाव आता है कि मुझे जीने का अधिकार नहीं है तो सोचता है जीवन खत्म कर लो, और जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, वो भी अपने जीवन को खत्म करता है। लेकिन ऐसे नहीं, तप करके, साधन करके, भजन करके। एक घटना बताते हैं, जब हम साधु वेश में आए तो महात्मा लोग हमसे कहे, महात्मा सब तू कौन हो? तो जो बाबा ने नाम दिया मैं बोलता देवदास। तो बड़े चलाक थे महात्मा लोग, पूछते थे तुम्हारा जाति क्या है? तो अब उस समय छोटे में जो मुंह से निकला निकल गया, बोलते नहीं अभी तुम साधु नहीं बने हो, तुम्हारी जाति अर्थात तुम अभी बटे हुए हो। बाद में हमें सिखाया गया कि बच्चा जब तक तुम्हारे पिछले संस्कार तुम्हारे में जीवित रहेंगे तब तक तुम परमात्मा के सन्मुख नहीं हो पाओगे, होगे क्षण मात्र के लिए वापस हो जाओगे। पिछले जन्म अर्थात अब तुम साधु स्वरूप में हो, ये तुम्हारा नया जन्म है। जब तक तुम पिछले जन्म से जुड़े रहोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का उपलब्धि नहीं होगा, और जब उसकी उपलब्धि हो जाएगी तो सारे जन तुम्हारे हैं। फिर तुम्हारा तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। सारे संसार के रिश्ते नाते तुम्हारे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता था बाबा से कि गुरुदेव हमारा पिछला जन्म खत्म हो जाए, मैं पिछले जन्म में कभी वापस ना जाऊं। बाबा ने एक दिन बुलाया और बोले, बच्चा देवदासवाहन का जी सरकार, आओ मैं तुम्हें
आत्मसात कराता हूं। तो हमने बोला सरकार वो क्या होता है आत्मसात? अरे बच्चा तुम्हारे आत्मस्वरूप का बोध करवाता हूं। देवरिया मचान की घटना है ये। बाबा मचान के सीढ़ी पे बैठे थे, मैं नीचे बैठा हुआ था। बाबा ने कहा बच्चा दंडवत कर, मैंने दंडवत किया। बाबा दोनों चरण रखे और बोले कि बच्चा देख तुम्हारा शरीर कहाँ है, तुम शरीर में हो या नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। वहीं गोकुलदास जी महाराज जी भी बैठे हुए थे। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मेरा शरीर कहीं नहीं दिख रहा है, और ऐसा हुआ कि मैं हूं ही नहीं, जैसे ना हवा में मिल गए हम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, कहीं सब जगह खाली, और ऐसे लगे जैसे मैं एक आकृति में बदल गया, हमारा ये स्थूल शरीर ही खत्म हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम एक विशाल स्वरूप में समा गए। फिर बाबा हंसे और बोले बच्चा अब कहाँ है तू, थोड़े देर कम से कम 3-4 मिनट बाद बोले बाबा मैंने अनुभव किया कि मेरा माथा जमीन पे है, हाथ जमीन पे है, और मैं सांस ले रहा हूं। तो हमने कहा सरकार मैं तो दोबारा वापिस आ गया इस दुनिया में। बाबा बोले अरे बच्चा ये तुम्हारा नश्वर स्वरूप है और वो तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप, वही तुम्हारा आत्मस्वरूप है। बच्चा मैंने अभ्यास करवा दिया, अब तुम निरंतर इसका अभ्यास करके और इसी में लीन हो जाना। आज भी मैं उसका अभ्यास करता हूं, और जो मेरा साधु बनने से पहले का शरीर था उसी को मैं पिछला जन्म मानता हूं। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप लोग तो साधु बने नहीं, बनना है। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप समर्पित करेंगे परमात्मा को, आपका गोत्र बदल जाता है। गोत्र बदल गया, आपका नया जन्म हो गया। जैसे एक कन्या विवाह करके दूसरे घर में जाती है, जाते ही विवाह के समय उसका गोत्र बदल जाता है, और वो अपने बाप के गोत्र नहीं लगा सकती, उसका गोत्र बदल गया। ऐसे ही कैसे? क्योंकि उसको पति मिल गया, और पति के मिलते ही वो पति के गोत्र में समाहित हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप जगत पति को समर्पित हो जाएं, तो आपका गोत्र भी उनका गोत्र अच्युत गोत्र बन जाएगा, और आपका भी नया जन्म हो सकता। आप चाहे तो मर्जी आपकी है, लगता है पुराने में ही खुश हैं आप लोग।
श्री राधे। इस प्रकार हम नए जन्म में पहुंचते हैं। आत्मदेव जी चल दिए, घर से निकल दिए, जंगल में चले गए, जाकर के तपस्या करने लगे, भगवान सूर्य की आराधना करने लगे, कठोर तप, अन्न जल सब का त्याग कर दिए, वन में तालाब के किनारे रह के तप कर रहे थे। वहां पे एक सन्यासी योगी आए, स्नान करके जा रहे थे, उतने में पांव पकड़ लिए। बोले महाराज, बोले ये पांव छोड़ भाई, क्यों पांव पकड़ लिया इतना जोर से? बोले अब तो छोड़ेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले हमें कोई संतान नहीं है। तो बोले मैं कोई संतान लेके घूम रहा हूं, कृपा कर दो। कितना भी कृपा बोलते रहे, आत्मदेव ने पांव नहीं छोड़ा। गुस्सा भी हुए महात्मा जी, अपना सिर पटकने लगे। महात्मा तो दयालु होते ही हैं, उन्होंने कहा रे भाई छोड़, पांव छोड़ दे। महात्मा जी ने नेत्र बंद किया और बोला तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। बड़ी ही रहस्यात्मक है संतों की कृपा, 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब मैंने तुम्हें वचन भी दे दिया, ले झोली से निकाला एक फल, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव घर लेके गए, पत्नी को दिया। बोली पत्नी तो पहले झाड़ू लेके पीछे पड़ी, कहाँ थे इतने दिन? बताया, खुश हो गई। आत्मदेव जी ने फल दिया और बताया कि इसको खाते ही तुम गर्भवती हो जाओगी और हम लोग को संतान हो जाएगी। धुंधली जो है बड़ी ही विचित्र थी, दिन में आधा दिन तो मेकअप में लगाती थी सुंदर दिखने के लिए, कपड़े लत्ते गहने। उसने सोचा कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पास में ही एक माता गर्भवती, उसके बच्चा हुआ, बीमार थी, बोले कि मैं उसके जैसा बीमार न पड़ जाऊं, कुरूप न दिखने लगूं, पेट इतना निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने अपने बहन को बुलाया, बोले कि ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी कहीं से फल लेके आए हैं, बोल रहे खा लो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बहन ने कहा अरे डरती क्यों है, देख कहाँ है वो फल। बोली ये रहा। बोले कि तू चिंता मत कर, खिड़की था वहीं से बाहर डाल दिए, गौ माता बंद रही थी और गौ माता ने फल खा लिया। 7 जन्म तक संतान नहीं होना था। जय जय श्री राधे। आया हुआ संतान चला गया, धुंधली की बहन गर्भवती थी, उसने बोला मैं तुम्हें संतान दे दूंगी और तुम मुझे धन दे देना, दोनों में एग्रीमेंट हो गया। झूठ मूठ की धुंधली, पेट बढ़ने की, खा खा के पेट मोटा हो रहा था, बोलती है मैं बच्चे, मेरे पेट में बच्चा है। संतान का समय आया, जैसे ही उसकी बहन को संतान हुआ, उसने लाके धुंधली को समर्पित कर दिया। पंडित जी ने बड़ा ही धूमधाम से अपने संतान का जाति कर्म संस्कार किया और जैसे ही संस्कार खत्म होता है, कुछ दिनों बाद गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उस समय ग्वालिया जो गौ सेवक था भागा भागा आया। पंडित जी बोले क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रहा है? बोले विचित्र हो गया। बोले क्या हुआ?
बोले गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, बोले अच्छी बात है, बछिया है बछड़ा है? बोला ना बछिया है ना बछड़ा है, इसीलिए तो मैं डर गया हूँ। बोले क्या बात है? बोले वो तो मनुष्य है। आत्मदेव जी भागे, सब गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, पहले ही इकट्ठे हो गए थे वहां। जैसे ही गौ माता के पेट से बाहर आया, पूरा शरीर देखे तो सच में मनुष्य है। गौकर्ण जी जन्म लेते हैं। बोल गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण जी गौ माता के गर्भ से निकलते हैं और निकलते ही मुख से राम राम राम, नारायण नारायण। बोले ये तो विचित्र बालक है, सारा शरीर मनुष्य का, सिर्फ कान जो है गौ माता की जैसे थी। वहां जो आचार्य जी थे उन्होंने उनका नाम गौकर्ण रख दिया। जय जय श्री राधे। उधर जो धुंधली के बहन ने बच्चा दिया था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी नाम क्यों रखा पता है? पंडित जी नाम निकाल निकाल के दे रहे थे, राम प्रसाद मनोहर लाल। धुंधली बोली बिल्कुल नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली है, मेरे नाम का अक्षर तो इसमें होना ही चाहिए। तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया। जय जय श्री राधे। आप लोग भी करते हैं काम तो श्री राधे। दोनों बड़े होने लगे, गौकर्ण जी भगवान के परम भक्त और धुंधकारी परम दुष्ट निकला। उसके दुष्टता से तंग आके सभी दुखी हो गए थे। गौकर्ण जी ने अपने पिता को आत्मदेव जी को आत्मा का ज्ञान दिया और बोला महाराज आप जाके वन में तप करिए, नहीं तो आपका ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आत्मदेव जी सब कुछ परित्याग करके वन में चले जाते हैं। धुंधकारी अपने माँ को खूब पिटता है कुटता है। इधर गौकर्ण जी भी तप करने तीर्थ करने के लिए चले जाते हैं। धुंधकारी सभी कर्म ऐसे निकृष्ट कर्म करता है जो एक ब्राह्मण क्या मनुष्य के लिए शोभनीय है। जुआ वैश्या चोरी सब कुछ करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसी की वैश्या उसको धन के लिए धन पा करके मार देती हैं और उसको जला जला के तपा तपा करके तड़पा के मार देती हैं। वही धुंधकारी प्रेत योनि में चला जाता है। महाराज गौकर्ण जी घूमते हुए अपने गांव पहुंचते हैं। तीर्थ करते करते वापस गांव आए। कई सालों बाद गांव में लोगों ने बड़ा स्वागत किया। अपने घर में गए, रात को सोने लगे तो वही प्रेत अनेक रूप धारण करके उनको परेशान करने की चेष्टा करने लगा। गौकर्ण जी ने पूछा भाई तू है कौन, क्या चाहता है मेरे से? धुंधकारी का प्रेत जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है भाई मैं धुंधकारी तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बोले अरे हाँ भाई मैं प्रेत बन गया हूँ, मैंने तुम्हारे जाने के बाद अपनी माँ का वध किया और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया, उनके धन लूटे और बहुत सारी स्त्रियों के साथ मैंने दुष्कर्म किया। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे स्त्रियों ने बांध करके अग्नि से जला जला के तपा तपा के मुझे मार दिया और मैं
प्रेत योनि में आ गया हूँ। गौकर्ण जी महात्मा सरल चित, उन्होंने कहा भाई अभी मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा मोक्ष करूँगा। संत बड़े दयालु, संत बड़े ही दयालु, सरल चित और स्वभाव जी। संत का दर्शन जब होवे, दर्श कर सुख पाओ जी। धुंधकारी की ऐसी अवस्था देख करके गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की योजना की और उस योजना से 7 दिन के बाद 8वें दिन धुंधकारी का आत्मा दिव्य, प्रेतात्मा दिव्य स्वरूप धारण करके सबके देखते देखते प्रेत योनि से मुक्त होकर के चतुर्भुज धारण करके भगवान के लोक में चला गया। ऐसा दिव्य चमत्कार देख करके लोगों ने गोकर्ण जी से प्रार्थना किया, प्रभु हम भी भागवत सुने थे, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। गोकर्ण जी बोले मन बुद्धि चित और अहंकार को लगा के सुनने से उद्धार होता है। कहते हैं गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत जी किया और उनके सारे नगरवासी भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश किए। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी की तीसरी घटना होती है, वो आप जानते ही हैं जो कलयुग में घटा है। जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा में सुत जी सोनक जी को बताते हैं। सोनक जी भगवान की लीला अनंत है, भगवान के स्वरूप भी अनंत हैं। भगवान ने अपनी ही इच्छा से समय समय पे अधर्म का हास करने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए अवतार लिए। इसमें 24 अवतार मुख्य अवतार हैं। भगवान के अवतार के बाद वेदव्यास जी के असंतोष की कथा सुनाते हैं। सुत जी कहते हैं द्वापर के अंत में भगवान व्यास जी पराशर जी की पत्नी के गर्भ से अवतार लेते हैं और उनका नाम व्यास जी होता है, जो सरस्वती जी के तट पे तपस्या करते हैं। उन्होंने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिख डाले, श्रुति आदि का वर्णन किया, महाभारत भी लिख दिया, परंतु उनके मन में संतोष नहीं हुआ और वो खिन्न चित्त होकर के सरस्वती जी के जल में स्नान आचमन करके उनके तट पे बैठे हुए थे। इतने में नारद जी आते हैं और नारद जी ने कहा कि आप इतने उदास क्यों हैं। वेदव्यास जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, गणेश जी ने स्वयं मेरे साथ बैठ करके 18 पुराण वेद का लेखन किया, परंतु मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझसे कुछ छूट गया है। तब नारद जी ने उनको
बताया, प्रभु आप अजन्मा हैं, आप नारायण हैं, आपकी लीला अनन्य है, आप दुखी मत होइए और श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। व्यास जी ने कहा, इसे लिखने की आवश्यकता है क्या? नारद जी ने कहा, यही श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में सबका उद्धार करेगा। उससे पहले महापुराण लेखन में नहीं आया था, श्रवण में और वचन में था। वेदव्यास जी ने, फिर नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया कि भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं, मुझ पे कैसे कृपा किया भगवान श्री कृष्ण ने। आप निश्चिंत होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। अर्थात श्रीमद् महाभागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले ही लिखा गया। अवतार से पहले ही वर्णन हो गया। कैसे? हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान ने देख लिया, व्यास जी ने सारी लीला देखी और लेखनी में उतार दी। वही श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम लोग अपने सुख शांति के लिए, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए सुनते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अब आप लोग यहां सुने। सुत जी कहते हैं, सोनक जी, जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, सब चीज स्थापित हो गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब मैं हस्तिनापुर द्वारिका जाऊंगा, तुम्हारा हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया। ठीक उससे कुछ ही दिन पहले महाभारत समाप्त हुआ था। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ, राजसोई यज्ञ भी समाप्त हो गया। भगवान जाने लगते हैं। उस समय बड़े ही सबका प्रेम उमड़ रहा है। आप लोग जानते होंगे, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। फिर द्रौपदी ने शपथ लिया कि जब तक अश्वत्थामा के रक्त से मैं बाल नहीं धोऊंगी, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगी। फिर अर्जुन शपथ लेख करके भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। द्रौपदी भगवान की भक्त थी, भगवान की कृपा से उनके अंदर में करुणा आया। अर्जुन वध करने जा रहे थे, द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं छोड़ दो, जैसे मैं आज अपने संतान के लिए व्यथित हो रही हूँ, ये भी अपने माँ बाप का एक ही संतान है और इसके पिता भी अब नहीं रहे, ये इसकी माँ बहुत दुखी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसको
थोड़ा दंड दे करके छोड़ दो। तो अर्जुन ने तीर के नोक से उनके मणि थी माथे में उसको निकाल के छोड़ दिया। कहते हैं कि शत्रु को चाणक्य ने कहा कि शत्रु को कभी छेड़ के मत छोड़ना। चाणक्य की नीति है कि शत्रु को छेड़ के अगर तुम छोड़ दोगे तो उसकी अंकुर पनपेगी और फिर तुम पे प्रहार करेगा। जब उसने 5 कुंती के पुत्र को मार करके अपने मित्र दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन ने भी बड़ी निंदा करी। अश्वत्थामा बहुत दुखी था और यहाँ पे पांडवों ने बड़ी बेइज्जती करी, मणि भी निकाल दी। और वो सोच रहा था कि कैसे मैं इन पांडवों के वंश को नष्ट कर दूं। पता चल गया कि उत्तरा के गर्भ में बच्चा है, उसके पास ब्रह्मास्त्र तो था ही। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया और उसने सोचा कि भगवान तो चले गए होंगे, जो पांडवों के मुख्य देवता हैं, रक्षक हैं, वो तो चले गए और भगवान गए नहीं थे। हस्तिनापुर से भगवान निकल गए थे, गंगा जी स्नान करने गए। भगवान बोले चलो गंगा जी स्नान करते। श्री राधे, और गए और स्नान करके तुरंत वापस आ गए। रथ पे चढ़ ही रहे थे कि देखे 5 फणों वाला शस्त्र आया और आके उत्तरा को घेर लिया, उत्तरा के पेट में लगा। उत्तरा जो है त्राही त्राही करने लगी, अग्नि से जलने लगी ब्रह्मास्त्र से, और भाग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। गिर करके विलाप करते हुए बोली, द्रौपदी ने उत्तरा ने विलाप किया, जोर जोर से विलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिया और बोली, हे जगबंदन, हे यदुनंदन, हे जगबंदन, हे यदुनंदन, रक्षा करो हमारी जी, ओ, 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 ओ रक्षा करो हमारी जी, हे जगबंदन, हे जदुनंदन, हे जगबंदन, हे यदुनंदन, रक्षा करो हमारी जी, रक्षा करो हमारी जी, मैं अबला हूँ दासी तुम्हारी, मैं अबला हूँ दासी, हरे मुरारी, हरे मुरारी,
भगवान श्री कृष्ण पांडवों भी जान लिए थे कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। पांडव तो जैसे मूर्तिमान हो गए, उन्होंने समझ लिया कि अब मेरा वंश नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके खड़े हुए, अपने सूक्ष्म स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित जी से मिलते हैं। परीक्षित ने देखा भगवान को। परीक्षित जी ने कहा, आप कौन? बोले, तुम कौन? भगवान और परीक्षित जी की पहली मिलन गर्भ में होती है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मास्त्र का सारा तेज अपने अंदर खींच लिया। भगवान ने गर्भ में जाके परीक्षित जी को उल्टा पलटा हिला के देखा। परीक्षित जी ने आंख खोला, दर्शन किया, मुस्कुराए। भगवान नेत्र खोले और बोले, सुरक्षित है, अब मैं जा रहा हूं। परीक्षित नाम क्यों पड़ा पता है? क्या कारण? पहली बार जो मिले परीक्षित जैसे प्रकट हुए ना, तो ढूंढ रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, खोज रहे थे, इसलिए परीक्षित। भगवान के द्वारा परीक्षण किए गए। ब्रह्मास्त्र लगने के बाद भगवान ने उनका परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद, और दूसरी कहते हैं कि परीक्षित जी जब जन्म लिए तभी से भगवान को जन्म लेते ही देखने लगे, कहाँ गए, किधर गए, हे कृष्ण कहाँ हो, ये भी कारण था। परीक्षित जी का, भगवान चले जाते हैं और परीक्षित जी का जन्म होता है। परीक्षित जी का जन्म परम भागवत का जन्म है। भजन गाएंगे? सभी लोग गाएंगे? चलिए मैं भी गा लेता हूँ। जन्म लिए भक्त राज परीक्षित, जन्म लिए भक्त राज परीक्षित, चहुँ दिशि बाजे बधाई जनमलिए भक्त राज परीक्षित, जनमलिए भक्त राज परीक्षित, चौदिशि बाजे बधाई जी, चौदिशि बाजे करावे, महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करावे, चहु दिशि बाजे सहनाई जी, चहु दिशि बाजे सहनाई, जनम लिए भक्त राज युधिष्ठिर। हरि बोल।
द्रौपदी प्रार्थना कर रहे अर्जुन द्रौपदी प्रार्थना कर रहे भीम बाटे मिठाई जी भीम बाटे मिठाई जी नकल नकुल सहदेव रतन उलुटावे नकुल सहदेव रतन उलुटावे कुंती करत बड़ाई जी कुंती करत बड़ाई जी जनम लिए हाथ जोड़ बोली प्रभु से उतरा हाथ जोड़ बोली प्रभु से हरदम रहो सहाय जी हरदम रहो सहाय जी तुम माता पिता हो तुम मेरे स्वामी माता पिता हो तुम मेरे रक्षक भाई जी तुम मेरे रक्षक भाई बाजे बधाई।
पांडव वंश में मंगल होए रही। पांडव वंश में मंगल होए रही। धर्म ध्वजा फहराई जी। धर्म ध्वजा जन्म लिए भक्त राज परीक्षित। जन्म लिए भक्त राज परीक्षित। चौदिस बाजे बधाई दी। चौदिस बाजे भागवत अमृत पान करो। श्रीमद् भागवत अमृत पान करो। त्याग दुसारी चतुराई जी। त्याग दुसारी चतुराई जी। मन जीत अहंकार से भजो। मन बुद्धि जीत अहंकार से भजो। मन बुद्धि जीत अहंकार से भजो। मन बुद्धि जीत अहंकार से ताली बजाई जी। ओ दोनों हाथ ताली बजाई जी। राजा पर ओ जन्म लिए भक्त राज परीक्षित। जन्म लिए भक्त राज परी शिवाजे बधाई जी। चौधरी शिवाजे बधाई जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण।
परीक्षित जी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। परीक्षित जी का जन्म हो रहा है, इधर उत्सव मन रही है, उधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी यादवों को सही स्थान पर भेजते हैं और बलराम जी अपने पंचभौतिक शरीर को पांचों तत्व में विलीन करके गौलोक धाम चले जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण भी चले जाते हैं और ऐसा अपशकुन युधिष्ठिर जी अनुभव करते हैं। उधर द्वारिका से अर्जुन आते हैं और आकर के भगवान को धाम जाने की सारी कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं। इधर परीक्षित जी का जन्मोत्सव हुआ है और बड़े हो गए हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी के जन्म के बाद अर्जुन जाते हैं, बोलते हैं अर्जुन काफी समय भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास किए। इधर परीक्षित थोड़े बड़े होते हैं, भगवान धराधाम जाते हैं। ऐसा सुनकर के युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने मिलकर के निश्चय किया कि अब इस जगत को छोड़ देना चाहिए। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ही सिद्धारधाम पे नहीं है तो हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार परीक्षित जी को राज्य गद्दी दे करके पांचों पांडव वन में प्रस्थान करते हैं, हिमालय चले जाते हैं। इधर परीक्षित जी समय के अनुसार बड़े होते हैं, बताते हैं 14 साल के उम्र में ही उन्होंने दिग्विजय का घोषणा कर दिया। दिग्विजय मतलब पूरे जहां तक ओर छोर है सब पे राज्य होना, और परीक्षित जी ने दिग्विजय किया। उसी दिग्विजय काल में ही परीक्षित जी की विवाह भी हो जाती है। इस प्रकार परीक्षित जी धर्म पूर्वक पृथ्वी पे राज करने लगते हैं। सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन परीक्षित जी मन में विचार करते हैं कि हमें थोड़ा वन विहार करना चाहिए।
इसमें कथा में ऐसा भी आता है कि परीक्षित जी विजयी होकर के लौट रहे थे, उस समय धर्म अर्थात बैल को कलयुग ने एक पांव टांग काट दिया और पीट रहा था। उस समय गौ ने प्रार्थना किया कि हमें कौन बचाएगा। ऐसा देख करके परीक्षित जी कलयुग को मारने के लिए दौड़े, बैल को छुड़ा लिए। कलयुग आके चरण में गिर गया, परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा की और क्षमा मांगा। बोला, महाराज मैं चंडाल हूँ, मैं कलयुग हूँ और मुझे रहने के लिए कहीं स्थान नहीं है, आपके शरण में हूँ, आप मुझे कहीं स्थान दीजिए। तो ऐसा कथा में आता है कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दे दिया। पहला द्युत क्रीड़ा जिसको जुआ बोलते हैं, मद्यपान शराब पीना और शराब खाने में जाना, पर स्त्री संग हिंसा, और 5वां था सोना सुवर्ण। जैसे ही ये वरदान दिए, परीक्षित जी ने सोने के मुकुट पहन रखी थी और श्री राधे कलयुग जाके खोपड़ी पे बैठ गया। और जब कलयुग बैठा तो फिर महाराज को अहंकार भी हो गया। श्री राधे महल गए वहां से, कुछ दिन आराम करके सबने कहा महाराज वन विहार करना चाहिए। बोले चलो करते हैं। वन में जा करके शिकार करने लगे। उसी समय में एक हिरण के पीछे भागे, हिरण तो निकल गई और परीक्षित जी भटक गए जंगल में। भटकते हुए ऋषियों के आश्रम पे श्रीरिंगी श्रृंगी ऋषि जी के, जिन्होंने श्राप दिया था इनको, इनके पिता का नाम समिक था, उनके आश्रम पे पहुंच गए। आश्रम क्या, एक गांव था ऋषियों का, वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, आवाज दिया, सभी ऋषियों की पत्नियां वस्त्र धोने के लिए नदी में अपने बच्चों को लेके गए थे, नदी में बच्चे खेल रहे थे, नहा रहे थे। इधर ऋषि मुनि सब, कोई कंदमूल लेने गया था, कोई समाधि ध्यान लगा के बैठा था, ऐसे ही समिक ऋषि भी अपने कुटिया में ध्यान लगा के बैठे हुए थे। उनकी कुटिया गांव अपने सभी के आश्रम से थोड़ा अलग था। परीक्षित आते ही उनके कुटिया पे गए, समिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने मुझे देख करके आंख बंद कर लिया है। बार बार बोलने के बाद भी समिक ऋषि ने नेत्र नहीं खोला। तब श्रृंगी ऋषि परीक्षित जी ने, कलयुग बैठा हुआ था ऊपर खोपड़ी में, अहंकार में आकर के उन्होंने सोचा कि इस ऋषि को दंड देना चाहिए। ऐसा बोल करके इधर उधर देखने लगे, क्या दंड दें। उतने में उनको एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया, जो उसी समय ऊपर से चील ने जमीन पे गिराया था। अब उन्होंने देखा, अरे वाह, किसने भेजा। उठाया धनुष की नोक से ऋषि के गले में लटका दिया। एक दो तीन बच्चे
नहाने जाने के लिए अपनी लंगोटी लेने आए थे, उन्होंने देखा ये कौन है, तो राजा लग रहा है, और देखा सांप लटका रहा है, वो डर के भाग गए। वहां से जाके श्रृंगी ऋषि नहा रहे थे जल में, बोले श्रृंगी, बोले क्या? अरे एक राजा आया था, थोड़े दूर पे देखा मैंने, वो तुम्हारे पिताजी के गले में एक मरा हुआ सांप डाल करके और बहुत उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। बोले तुमने अपने आँख से देखा सांप डालते हुए? बोले हाँ देखा। कौन था वो राजा? बोले कि पीछे उसके इतना तो नहीं जानते, लेकिन वो राजा था। श्रृंग ऋषि ने ध्यान करके देखा, बोले ये तो परीक्षित है, हमारा राजा है चक्रवर्ती सम्राट, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसने ऐसा घोर कर्म किया, मेरे पिता का अपमान किया। उन्होंने हाथ में जल लिया और तुरंत श्राप दे देते हैं। परीक्षित ने जैसे हमारे पिता के गले में सर्प को लटका करके हमारे पिता को अपमानित किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ, आज से सातवें दिन उसको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और वो उसके विष में जल करके भस्म हो जाएगा। जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्रृंग ऋषि के श्राप की बात आग की तरह ऋषि वंश में फैल गया। सभी ऋषि पत्नियां और ऋषि लोग साधु साधु करने लगे, सब एकत्रित हो गए, समीक ऋषि के पास गए और बोले आपके पुत्र ने ऐसा श्राप दे दिया है। समीक ऋषि बड़े ही दुखी हुए, उन्होंने महाराज परीक्षित के पास खबर भेज दिया कि आप अपनी सुरक्षा कर लें, आप राजा हैं, आपको हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया है। जय जय श्री राम। इधर परीक्षित जी हरि इच्छा मान करके राज्य लौट गए और वहाँ पहुँच करके तुरंत सभी ऋषि मुनि और आचार्य गुरुओं को बुलाए। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे श्राप मिल गया है, अब क्या करना चाहिए जिससे मैं भगवान को भी प्राप्त कर लूँ और जीवन भी कृतार्थ हो जाए और श्राप की फल जो है, श्राप का कष्ट जो है वो भी ना मिले। कोई बोले हवन करो, कोई बोले यज्ञ करो, कोई बोले महामृत्युंजय करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान बताने लगे। इतने में परीक्षित जी अपने कक्ष में गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण की विग्रह रखे हुए थे, जाके लिपट गए विग्रह से श्री राधे। परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से लिपट गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे यदुश्रेष्ठ, हे पामन, हे पवित्र, आपने हमारे वंश को संभाला है, आपने हमारे वंश को सुरक्षित किया है, मैं आपका शरणागत लेता हूँ, मुझे कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है मैं नहीं जानता, अब मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपका शरणागत हूँ। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते ही उनको हुआ, हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया
गृह त्याग कर दो, गंगा जी के तट पे चले जाओ। श्री राधे। उसी क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को राजा घोषित करते हैं और बिना देर किए घर से बाहर निकल देते हैं, गंगा जी के तट पे जाने के लिए चल देते हैं। हरिद्वार के पास शुक्रताल जिसको आज बोलते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। उधर नारद जी ने सुखदेव जी को सुख सूचना दिया, ऋषि मुनि साधु संतों को सूचना दिया, पधारिए पधारिए। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवत जी की कथा है। कहाँ है? बोले शुक्रताल, शुक्रताल में। बोले कौन करेंगे? बोले सुखदेव जी। श्री राम। जजमान का कौन है? बोले परीक्षित जी। परीक्षित जी के पहुंचने से पहले ही सारी योजना बन गई, क्योंकि भक्त को सभी सहयोग करते हैं। परीक्षित जी आते हैं, गंगा जी के जल में स्नान करते हैं, स्नान करके देखते हैं, क्या देखते हैं? सुखदेव जी आ रहे हैं। जिनके नयन भक्ति मद भरी, 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 जो है व्यास के अंश जी, जो है व्यास के अंश जी, आए रहे हैं जटा जूट धारी, आए रहे परमहंस जी, सुखदेव परमहंस जी, भवरे गुंजारे कृष्ण उचारे, भवरे गुंजारे कृष्ण उचारे, परीक्षित किए प्रणाम जी, परीक्षित किए प्रणाम जी, नारद बोले आसन बिठाओ, नारद बोले आसन पखारो माला पहिरा,
संकीर्तन हुई, सभी ऋषि मुनि संकीर्तन करने लगे। नारद जी बोले, चरण पखारो, माला पहनाओ, परीक्षित एकमात्र तुम्हारा कल्याण श्रीमद भागवत जी के श्रवण से होना है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरण पखाड़े, माला पहनाए, त्राही त्राही के चरण में गिर गए। सुखदेव जी ने नेत्र खोला और संकीर्तन किया। संकीर्तन के साथ ही कथा शुरू हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। 7 दिन है, तुम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार और समस्त इंद्रियों को कृष्ण में स्थापित कर दो। मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार संकीर्तन करने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कामनाओं के अनुसार देवी देवताओं की उपासना और प्राधान्य भक्ति का निरूपण किया। उसके बाद विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन किया। उसके बाद भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करके वैकुंठ का वर्णन करते हैं, जहां भगवान निवास करते हैं। वैकुंठ किसको कहते हैं? वहां जाने के बाद कोई भी कुंठित ना हो, समझ रहे हैं ना? वहां जो रहते हैं वो कभी कुंठित नहीं होते हैं, असफल नहीं होते वो, इसीलिए उसको वैकुंठ कहा गया। श्री राम। उसके बाद 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन किए, मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन किए। उसके बाद
दीति के गर्भ धारण का वर्णन किए, उसके बाद जय और विजय की सनकादि के द्वारा श्राप का वर्णन किए और उनका वैकुंठ से पतन का वर्णन किए। इस प्रकार सुखदेव जी ने पहले दिन की कथा को विश्राम दिया। परीक्षित जी को बोले, मन बुद्धि चित अहंकार को भगवान श्री कृष्ण में लगाओ और उनके नाम का जप करो। परीक्षित जी ने दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी संध्या हो गया, गंगा जी संध्या करने के लिए जाते हैं। आज पहले दिन की कथा की यहीं विश्राम होगी, कल से आपको कथा का